क्या हाल चाल है इंदौरी भैया की, सभी को राम राम है। तो हमारे पास आ गई है कौन सी वॉच, सोल एस वॉच फ्रॉम द फायरबोल्ट। ये वॉच लग्जरी लुक और फील देती है बजट के अंदर, और मुझे पर्सनली वॉच ना दिखने के मामले में बहुत अच्छी लगी है। थोड़ा सा अपना ओपिनियन आपका शेयर करूंगा, और इससे पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, कंटेंट पसंद आए भाई का तो लाइक जोर से कर देना, और नए आए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से करके देना। डब्बा खोल लेते हैं, डब्बा को देखने को मिलती है बस ब्रांडिंग, कुछ की हाइलाइट्स दे रखे हैं यहाँ पर। कंटेंट पैकेज के अंदर आपको मिल जाएंगे कुछ गिफ्ट कार्ड्स फायरबोल्ट की तरफ से, एक आपको मैनुअल मिलती है, एक वारंटी कार्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, साथ में मिल जाएगा आपको एक चार्जिंग केबल और मिल जाएगी आपकी मेन वॉच। अब मेन वॉच के डिजाइन को लेकर बात करूँ ना यार, तो लुक बहुत अच्छा लगा, और ये जो मैट फिनिश का जो पर उन्होंने क्रोम यूज कर रखा है जिसको क्रोनोग्राफ बोलते हैं हम लोग, वो काफी अच्छा टच दे रहा है इस वॉच के साथ में। साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो गोल्ड और सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन यूज कर रखा है वही आपको देखने को मिलता है। इस साइड आपको तीन बटन देखने को मिलते हैं, एक रोटेटिंग क्राउन भी प्रोवाइड कर रखा है, आवाज भी करता है, थोड़ा फील भी देता है वो। ऊपर और नीचे आपको एक एक जो है पुश बटन है प्रोवाइड कर रखे हैं। अब ये जो आप क्रोम देख रहे हो ना, गोल्ड सिल्वर क्रोम जो फिनिश है, ये लुक क्या कितना प्यारा बना रही है ना मतलब। और ये जो स्टील वाले बेल्ट तो यार है यहाँ पर, जो स्टेनलेस स्टील वाले प्रोवाइड कर रखे हैं, एंटी कोरोजन मटेरियल यहाँ पर जिन लोगों ने बेसिकली यूज कर रखा है। और ये जो बेल्ट का साइज है ये छोटा ही दिया हुआ है इन्होंने साथ में, पहली बार मतलब ऐसा है कि साइज परफेक्ट मेरे हाथ में बैठ रहा है। नहीं तो क्या होता है ना कि यूजुअली छोटा करना पड़ता है, छोटा करना वैसे आसान पड़ता है, दिक्कत नहीं है, यहाँ पर साइड में आपको दे रखा ऑप्शन, बट ये वाली चीज अच्छी है कि इस बार उन्होंने काफी हद तक आपको छोटा कर ही दे रखा है इन लोगों ने। रेस्ट अगर बॉडी की बात करें तो आपको काफी सॉलिड मेटलिक बेल्ट देखने को मिलती है, और साइड में आपको माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी, और बैक साइड में आपके सेंसर वगैरह यहाँ पर दे रखे हैं। तो बेल्ट और डिजाइन के मामले में तो नो डाउट आपको कोई कॉम्प्रोमाइजेस देखने को नहीं मिलेंगे, वॉच लुक और लग्जरीनेस के मामले में बहुत ही जबरदस्त लग रही है। बट मेजर बात कहाँ आती है हार्डवेयर को लेकर, तो ये जो डिस्प्ले उन्होंने यूज कर रखा है 1.32 इंच का यूज कर रखा है, बेजललेस ऑलमोस्ट आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, मतलब काफी क्लीन आपको फील देता है ये। और जो डायल्स यहाँ पर पर्टिकुलरली यूज कर रखे हैं इस वॉच के साथ में जो लग्जरी टच देने के हिसाब से, वो भी बहुत अच्छे अपीयर होकर यहाँ पर आ रहे हैं। ब्राइटनेस की बात करूँ तो ब्राइटनेस आपको मोर देन इनफ मिल जाती है, और ऐसे आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप आउटडोर वगैरह में लेके जा रहे हो तो आपको वॉच जो है विजिबल हो जाती है। बाकी वॉच में आपको वेगेस्टर वगैरह देखने को मिल जाएगा, जैसे ट्विस्ट अप करेंगे आपका डिस्प्ले ऑन हो जाता है। हाँ, इसमें AOD या फिर ऑलवेज ऑन मोड वाली चीज नहीं मिलती है आपको, IPS पैनल इन्होंने यूज कर रखा है, 360x360 पिक्सल रिजोल्यूशन का है, तो क्वालिटी और क्रिस्पनेस जो है आपको काफी अच्छी मिलेगी, शार्पनेस जो है वो अच्छी आपको मिलती है। तो एज सच मुझे डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर कंप्लेन नहीं है यहाँ पर। अब बात करें इसमें बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर, तो कंपनी देखो अप टू 7 डेज क्लेम करती है, बट यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है यूजर किस तरीके से यूज कर रहा है। अब कॉलिंग फंक्शन आप रेगुलरली यूज करोगे तो एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ 2 दिन से ज्यादा चलती नहीं है, बट नॉन कॉलिंग मोड में यूज कर रहे हो तो 4 से 5 दिन तक परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा बड़ी बैटरी इन लोगों ने लगाने रखी है, सिर्फ 230mAh की बैटरी है, तो उतना ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना परफॉर्मेंस के मामले में। हाँ, यहाँ पर जो वाटर रेटिंग है वो आपको मिल जाती है IP67, तो अगर आप बारिश में हैं, शावर में पहन के जा रहे हो, पहन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्विमिंग पूल में भी जा रहे हैं तो अगर आप ऊपर ऊपर ही हो, पानी के ऊपर ऊपर ही, तो फिर ठीक है, नहीं तो अगर पानी की अगर गहराइयों में जाओगे आप तो फिर खराब होने के चांसेस बन सकते हैं। बाकी तो सेंसर वगैरह दे रखे हैं पीछे की तरफ, आपको वही आपके SPO2 HR और एक्सेलेरोमीटर 3 सेंसर जो आपको मिलते हैं बेसिक वो आपको मिलेंगे यहाँ पर। बट बात आती है मेन यहाँ पे UI को लेकर, क्योंकि UI क्यों लेके जब भी मैं बात करता हूँ, फायरबोल्ट काफी ना सेम UI यूज कर रहा था अपने प्रीवियस जनरेशन वॉचेज में, बट यहाँ पर डेफिनेट आपको UI में डिफरेंस नजर आएगा। प्लस जो एनिमेशन है, जो इफेक्ट है, वो काफी अच्छा और स्मूथ भी वर्क कर रही है। तो टॉप सर्व करोगे आपको तो टॉगल्स नजर आ जाएंगे, नीचे से करने पर आपकी नोटिफिकेशन वगैरह रीड हो जाती है, साइड से करने बाद देख सकते हैं आपकी जो भी एक्टिविटीज हैं, आपने कितना स्लीप किया, आपका HR, आपका SPO2, वेदर इन्फॉर्मेशन वगैरह, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। अदर साइड से करने पे आपको आपका मेन्यू अपीयर हो जाएगा, जहां पे आप देख सकते हैं आपके जितने भी फीचर्स दे रखे हैं वॉच में आप उनको एक्सेस कर सकते हो। बाकी अगर आपको वॉच फेस चेंज करना है तो वॉच फेस चेंज करने के लिए आपको क्राउन को सिर्फ रोटेट करना है और आपके वॉच फेसेस यहां पर जो है चेंज हो जाते हैं। तो UI अच्छी लगी है, मस्त लग रही है, पहले से तो इंप्रूव कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। अब बाकी फीचर्स के लेके बात करूं तो आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड प्रोवाइड कर रखे हैं, 120+ 120 डिफरेंट मोड्स में दे रखे हैं। तो जैसे अगर आप यूज कर रहे हो उसको, तो आप यहाँ पर एक्टिविटी करने जा रहे हो, रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, तो आप उनको ऑन कर लो। ऑन करने के बाद आपको ट्रैकिंग जो है वो बेहतर देखने को मिलती है, पर्सनली मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इसका यूज करें। बाकी आपको यहाँ पर ब्लूटूथ कॉलिंग मिल जाएगा, और ब्लूटूथ कॉलिंग में 3 चीजें मिलती है, फेवरेट कॉन्टेक्ट, डायल पैड और कॉल, इसके वो तीनों आपको यहाँ पर मिल जाएगा, दिक्कत नहीं आने वाली है। और जो सबसे खास चीज होती है कॉलिंग परफॉर्मेंस कैसे मिलने वाली, तो अपन वो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो गाइस अभी जो आवाज सुन रहे हैं वो इस वॉच के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होगी, और कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस ये वॉच देगी जब भी आप उसको कॉलिंग के टाइम यूज करेंगे। बाकी और भी आपको यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड चीजें देखने को मिल जाएगी, जैसे आपका SPO2 हो गया, HR हो गया, एक्सेलेरोमीटर सेंसर हो गया, वो सभी आपको हमें प्रोवाइड कर रखा है, और ट्रैकिंग कहीं ना कहीं आपको क्लोज टू क्लोज प्रोवाइड कर देता है। बट देखो मेरा पर्सनल कंसर्न हमेशा हेल्थ को लेकर रहा है, अगर आपकी हेल्थ में ज्यादा दिक्कतें हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप प्लीज मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट्स को यूज करें, वो आपके लिए ज्यादा रिलायबल रहते हैं। वॉच सिर्फ आपको टेंटेटिव आइडिया देती है।
बाकी आपके जो बेसिक फीचर्स नहीं होते जैसे कि आपका स्टॉप वॉच हो गया, अलार्म हो गया, टाइमर हो गया, वो आपको दे रखा है इन लोगों ने यहाँ पर। सिर्फ मॉनिटरिंग वगैरह देखने को मिल जाती है आपको, और जैसे अगर आपको वेदर इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी, कैमरा कंट्रोल आपको मिल जाता है, म्यूजिक कंट्रोल आपको मिल जाता है, ट्रैक्स वगैरह चेंज करना हो। हाँ, काफ़ी लोग स्ट्रेस फील करते हैं तो यहाँ पर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज दे रखी है वो ब्रीद इन ब्रीद आउट करने वाली, तो वो भी आप वॉच के थ्रू कर सकते हैं। फीमेल्स अगर वॉच परचेस कर रही हैं तो यहाँ पर ये साइकिल ट्रैकिंग वाली चीज़ देखने को मिल जाती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वगैरह जो है यहाँ पर ट्रैक कर सकती हैं वो। बाकी आपको एआई वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिल जाता है, तो इनकेस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ कमांड्स वगैरह देनी है, इसके असिस्टेंट को वेक करना होगा और आपके फोन से कनेक्टेड होगी तभी ये चीज़ वर्क करती है। बाकी आपको यहाँ पे कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है, तो अगर आप ऑन कुछ छोटी मोटी चीज़ें कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन आपको गेम्स भी देखने को मिल जाता है, दो गेम्स ऐसे प्रोवाइड कर रखे हैं, एक तो वो फ्लैपी बर्ड या फिर यंग बर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, और 204। सेटिंग में चलेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले में आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, और व्यू वगैरह आपको चेंज करना तो डिफरेंट व्यू स्टाइल दे रखे हैं यहाँ पे यूआई के, तो आप वो चेंज कर सकते हो। वाइब्रेशन रिंगटोन जो है अगर आपको ऑन करनी है, इंटेंसिटी बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो यहाँ पर। इवन आपको D&D मोड है, लो पावर मोड है, सिस्टम में आपको और चीज़ें देखने को मिलेगी, स्टार्ट हो गया, रीसेट हो गया, पावर ऑफ हो गया, तो सेटिंग्स में आपको सारी जो बेसिक जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है आपको सेट करने की वो आप यहाँ पे से सेटिंग में से कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन के लिए बात करें तो फायरबोल्ट दाफिट जिस एप्लीकेशन को यूज़ करते आ रहा है, तो यहाँ पर वही एप्लीकेशन आपको इस वॉच में भी देखने को मिलेगी। फ्रंट में आपको अपनी हेल्थ इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है, बाकी आपको आपकी जो ट्रैकिंग वगैरह है वो मिल जाएगा। वॉच फेस लगाना कौन से हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे अवेलेबल कर रखे हैं। खुद का फोटो वगैरह लगाना तो वो भी आप लगा सकते हो इस एप्लीकेशन के थ्रू। पर इन सबसे हट के जो सबसे खास और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी प्राइसिंग। 2000 रुपये के प्राइस पे इसको लॉन्च किया, और इस प्राइसिंग पे अगर देखो आप वॉच को देखेंगे तो एक अमेजिंग फील और लुक ये प्रोवाइड करती है। अगर आप नॉर्मल इस तरह की वॉच लेने जाओगे तो आई गेस आपको 500-600 रुपये में अच्छी वॉच मिल जाएगी, बट आपको स्मार्ट वॉच का टच देखने को मिल जाता है वॉच में, और एक लग्जरी प्रीमियम फील कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है, और नो डाउट डायल इसका कहीं ना कहीं आपको बेहतर फील देगा, थोड़ा सा मॉडर्न टच भी कहीं ना कहीं देता है। अगर आप अपने कलेक्शन में एक वॉच और ऐड करना पसंद करते हैं, नॉट फॉर द हेल्थ ट्रैकिंग पर्पस, बट अगर आप इसको रखना चाहते हैं बाहर आउटफिट के हिसाब से पहनने के लिए, तो आप इस वॉच को चेकआउट कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज्यादा दिवस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, भाई का कंटेंट पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना और एक अच्छा प्यारा सा कमेंट करना। कमेंट जब भी आते ना खुशी बड़ी मिलती है, तो कमेंट कर देना। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।